नमस्ते इंडिया। तो आज ये हमारा वाटरप्रूफिंग का सीरीज 6 वीडियो, जिसमें हम जानेंगे कि किचन का जो सिंक है, अगर उसके नीचे से पानी टपक रहा है, वहां से अगर सीपेज हो गया है, तो उस चीज से हम कैसे बचा सकते हैं अपने किचन के एरिया को। जो किचन का सिंक है और जो स्लैब है आपका, ठीक है, उसके बीच में जो कॉन्ट्रेक्टर जो आपका काम किया होगा, वो एक वहां पे सीलिंग लगवाया होगा मिस्त्री लेवल से, ठीक है। कुछ साल के बाद धीरे 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 उसमें वॉइड बनता है और वही वॉइड के चलते पानी आपका नीचे टपकने लगता है। तो सबसे पहले कुछ पतला सा नुकीला चीज लेना है, स्क्रू ड्राइवर वगैरह कुछ भी ले लीजिए, उससे क्या करिए पूरा सीलिंग को हटा दीजिए। हटाने के बाद एक टेप लीजिए, चारों साइड में ऐसे आउटर इनर करके लगा दीजिए। तो टेप लगा करके अच्छे से सीलेंट का सीलेंट में नोजल लगा लीजिए। नोजल लगाने के बाद अच्छे से सीलेंट को यूनिफॉर्म वे में गिरा लीजिए और हाथ में कुछ तेल वगैरह लगा के उसको हाथ से ऐसे रब कर दीजिए, ताकि एक लेवल में बराबर टाइप का हो जाए, और उसको 20 मिनट तक छोड़ दे। 20 मिनट या आधे घंटे के बाद वो टेप को उखाड़ के हटा देना है। बट आप सिंक में अभी नल ओपन मत करिएगा, वो आप 8 घंटे बाद ही अपना सिंक को यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो किचन का सिंक एरिया, जैसे पानी टपक रहा है कॉर्नर से, वो टपकना बंद हो जाएगा और आपका वार्डरोब भी पानी से बचा रह सकेगा। इसको बोलते हैं सिलिकॉन सीलेंट। आप किसी भी कंपनी का ले, वो सारा एक ही काम करता है, बट अच्छे से वो सील और पैक कर ले, ताकि पानी आपके किचन में ना चुए, क्योंकि वो एनवायरमेंट को खराब करता है।